उच्च पद पर प्रभार का आदेश होने के उपरांत शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और इस संबंध में आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया जो कि 4 अगस्त 2023 को जारी हुआ जिसमें बताया गया कि उस श्रेणी शिक्षक और प्रधान अध्यापक जो माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं से व्याख्याता पद के उच्च पद पर प्रभार ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में अर्थात इन शिक्षकों की जो यूडीटी और एचएम HM हैं, इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी जिनके आदेश जारी हुए हैं आदेश में बताया गया कि यूडीटी और एचएम HM से लेक्चरर पद हेतु रिक्त पदों के मान से चयनित शिक्षकों की सूची जारी की गई साला चयन हेतु शिक्षक शिक्षा पोर्टल पर काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे रिक्त स्थानों की सूची शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है शिक्षक निर्धारित संख्या में पदांकन हेतु शालाओं का चयन दिनांक 7 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक शिक्षा पोर्टल पर कर सकेंगे अब इसमें महत्वपूर्ण बात है जैसे हम देखें तो काउंसलिंग जो है शिक्षा पोर्टल पर आदेश के अनुसार बताया गया है दूसरी चीज इसमें अवधि बताई गई है कि 7 अगस्त से 10 अगस्त तक जो शिक्षक हैं वे ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे अब इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि साला में पदांकन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई शिक्षक साला चयन नहीं करता है या सीमित संख्या में साला चयन करता है तो प्रशासकीय आधार पर पदानकलन किया जा सकेगा तो यहाँ पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि साला कम चयनित की जाती है या फिर जो साला शिक्षक के द्वारा चयन की गई है उस साला में यदि शिक्षक का चयन नहीं होता है तो प्रशासकीय आधार पर इन्हें किसी भी संस्था में पदांकित कर दिया जाएगा तो इस प्रकार से हम देखें तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो आदेश है डीपीआई के द्वारा जारी किया गया है अब इसमें बताया गया है कि शिक्षा पोर्टल पर काउंसलिंग होगी और इसकी अवधि भी बताई गई है इसके पूर्व यदि हम देखें तो एजुकेशन पोर्टल पर जो टीचर ट्रांसफर वाला ऑप्शन है इसमें इसके विकल्प दिए गए थे ऑनलाइन काउंसलिंग के अब शिक्षा पोर्टल की यदि बात कर रहे हैं तो शिक्षा पोर्टल जैसे छात्रवृत्ति के जो कार्य होते हैं वो शिक्षा पोर्टल पर किए जाते हैं आगामी समय में देखना होगा कि शिक्षा पोर्टल पर ऑप्शन आते हैं या फिर एजुकेशन पोर्टल पर ऑप्शन आते हैं वर्तमान में यदि हम देखें तो ना तो एजुकेशन पोर्टल पर ऑप्शन दिए गए हैं और ना ही शिक्षा पोर्टल पर इसके ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं चूंकि अवधि की यदि हम बात करें तो अभी समय है सात अगस्त से दस अगस्त की अवधि में जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो की जाएगी लेकिन यदि हम इसके शिक्षा पोर्टल के मेन मेनू में देखें तो इसके कहीं भी अभी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं इसी प्रकार हम एजुकेशन पोर्टल पर देखें तो अभी इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं लेकिन कुछ दिन पूर्व इसके जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया था और इस संबंध में चैनल में वीडियो भी अपलोड किया गया था कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो की जाएगी इसमें संस्थाओं का चयन कैसे करना है आवेदन कैसे करना है इसकी डिटेल जो जानकारी है वो दी गई थी लेकिन भविष्य में शिक्षा पोर्टल या फिर एजुकेशन पोर्टल जो भी पोर्टल में ऑप्शन आते हैं इस संबंध में वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दी जाएगी ये थी ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद